फ्रेंड्स, आज फिर से नए ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से उसी जगह पे आए हैं। हम और पप्पू जी आज दूसरा दिन है और फिर से हम लोग इसी जगह पे आए हैं घूमने के लिए। और कुछ रील्स जो थे, मतलब कि शूट कर रहे थे हम लोग, रील्स बना रहे थे, वही आधा रील्स बच गया था। मतलब कि हम लोग 20 रील्स के आसपास बना लिए थे और फिर दोबारा यहाँ पे आने का मकसद नहीं था। और फिर मतलब कि और रील्स जो बचे हुए थे वो सोचे कि चलो भाई यहीं पर शूट कर लेते हैं। और वही शूट करने के लिए हम लोग फिर से इसी जगह पर हम लोग आ चुके हैं, हम और आपके पप्पू महाराज यानी कि पप्पू जी हैं। ठीक है, तो ये अभी बोल रहे थे मतलब कि ये जो पुल है ना, ये ओवर ब्रिज जो है, और इसके नीचे का ये अभी खाई दिख रहे थे। यहाँ पे आप लोग नीचे देखिएगा तो छोटे छोटे इंसान दिख रहे हैं। मतलब कि इंसान जो दिख रहे हैं ना, वो नीचे छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत हाइट पे ये ऊपर भी जो है, ठीक है, बहुत हाइट पे है। यानी कि मिनिमम नहीं, 100 फीट के आसपास ये ओवरब्रिज बना हुआ हाइट में, ठीक है, 100 फीट ऊंचा ये ओवरब्रिज है। ठीक है, तो इतना ऊंचा पे हम लोग अभी शूट करने के लिए आए हुए हैं। और इधर देखिएगा तो ये जो है ना, ये जो रिवर है, ये सोन रिवर है, ठीक है, सोन नदी है ये। ठीक है, सोन नदी में आप लोग कभी आए होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि सोन नदी में हम भी घूमे हुए हैं। ठीक है, सोन नदी के आसपास कहीं पे भी हो, सोन नदी तो बहुत लंबी है और सोन नदी के आसपास में बहुत सारे सिटीज़ हैं और बगल में बहुत सारे विलेज हैं। और अगर आप लोग के गांव से या सिटी से जो अगर सोन नदी गुजरता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस कमेंट को हम ज़रूर से पढ़ेंगे आप लोगों को। और पप्पू जी, आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं कि इस पुल के बारे में, ठीक है, इस पुल के बारे में, इस ओवरब्रिज के बारे में। जो ओवरब्रिज है बहुत अच्छा खासा है, आप लोग घूमने के लिए कमेंट ज़रूर करना। आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है एरिया, अच्छा बहुत एरिया है, ठीक ना, आप लोग आइएगा इधर घूमने के लिए। मतलब पप्पू जी बोल रहे हैं कि आप लोग को बुला रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये हमको नहीं इनविटेशन देता है, कभी भी कहीं भी जाने के लिए हमको इसको इनविटेशन देना पड़ता है, बट ये हमको कहीं भी जाता है तो हमको इनवाइट नहीं करता है और अकेले ही चला जाता है, बट हम इसको कहीं पर भी लेके जाते हैं। ठीक है, इसको इन्वाइट करते हैं और इसको लेके भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें कभी इन्विटेशन नहीं देता, लेकिन आप लोगों को इन्विटेशन दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे घूमने आइएगा और इसका लोकेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या तो कहीं पर भी हम दे देंगे। और अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं। बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़ा ओवरब्रिज है और डबल लाइन है। पप्पू जी कुछ कहना चाहते हैं इनसे भी? मेरा जो काम है आप लोग से काम है, इनके से थोड़ी ना काम है, आप लोग से मेरे काम है। सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए आप लोग से, इसके सुनना चाहिए, मतलब कि इसको हमसे मतलब आप लोगों से मतलब है। हाँ भाई, आप लोग जो है इनके फैमिली है ना, मतलब कि आप लोग तो मतलब कि इनके सब कुछ हैं, आप ही लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये आप बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं हैं, ठीक है, कुछ और बोलना चाहते हैं बोल दीजिए भाई। जो कि आप लोग चाहते हैं मेरा जैसे आप लोग का प्यार है, वैसे ही हम लोग आप लोग का मेरा प्यार है, तो प्यार बहुत अच्छा बनाए रखें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। हाँ, यानी पप्पू जी जो है हमारा हमेशा बुराई करता है, चाहे जहाँ भी हो हमारा खिंचाई कर ही देता है। ठीक है, हमारा खिंचाई कर ही देता है और ये हमेशा हमारा बुराई करता है, कहीं भी मतलब अच्छा ही नहीं करता, हमेशा हमारा बुरा ही करता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और पप्पू जी, इन लोगों को टारगेट दीजिए इस वीडियो पर, कितने लाइक्स और कितने व्यूज और कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो पर सब्सक्राइबर जो होना चाहिए अनगिनत होना चाहिए, माने कि हम लोग से गिना ना सके, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। लाइक बस अंत नहीं, इसको अंत नहीं होना चाहिए। हाँ, लाइक का मतलब अंत नहीं होना चाहिए और व्यूज भी नहीं होना चाहिए अंत का। ठीक है, तो पप्पू महाराज से कुछ बातें हो गई और हम लोग भी अभी शायद शाम हो चुका है और रील्स भी हम लोग का शूट हो चुका है और अब हम लोग निकलेंगे घर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, और मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।